Hello everyone. This video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best. Please enjoy the video. Now chapter 3, synchronization. Okay. So please join the session as soon as possible, all of you. Okay. Today we are going to start our chapter number 3, that is synchronization. Synchronization. Hum aaj start karenge. इस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आवर सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन. व्हाई वी मेंटेन सिंक्रोनाइजेशन एंड हाउ टू मेंटेन सिंक्रोनाइजेशन. सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आवर मेन टॉपिक, दैट इज डेडलॉक. व्हाट इज डेडलॉक, हाउ डेडलॉक विल हैपन बिटवीन द टू प्रोसेसेस, एंड what are the relevant solution for the deadlock, like deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection and their recovery from that deadlocks. So in two parts mein hum is complete chapter number 3 ko study karenge. First mein hum discuss karenge hamara, first part mein hum study karenge synchronization mein, sabse pehle ki hamari synchronization kya hoti hai. Agar hum synchronization ko maintain nahi karte hain to हमारी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या क्या अक्कर होंगी, और वहीं पे सिंक्रोनाइजेशन को कैसे मेंटेन किया जाएगा दो प्रोसेसेस में, और मेंटेन करने के कारण हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट कैसे आता है. तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. फर्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन. फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आज सिंक्रोनाइजेशन. सो एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन एज सून एज पॉसिबल. देखिए, सबसे पहले हमारे पास होती हैं कॉन्करेंट प्रोसेसेस, कॉन्करेंट प्रोसेस, और यू कैन से कॉन्करेंट थ्रेड्स, कॉन्करेंट थ्रेड्स एज वेल एज कॉन्करेंट प्रोसेसेस. कॉन्करेंट प्रोसेस क्या होती हैं, आपकी दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रही होती हैं. जैसा हमने डीबीएमएस में पढ़ा था, कि हम कैसे दो ट्रांजेक्शन्स को कॉन्करेंटली मेंटेन करते हैं, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी एटॉमिक प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी, आइसोलेशन प्रॉपर्टी, एंड लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी. तो ऐसे ही होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास कॉन्करेंट प्रोसेसेस. कॉन्करेंट प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली, पैरेलल में आपकी प्रोसेसेस हैं वो रन कर रही होंगी. अब देखिए, सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग है कि हम हमारे कुछ ऐसे फीचर्स को मेंटेन करके चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसके कारण जो यूजर है उसको फील हो कि उसका जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट इज करेक्ट ऑलवेज. तो सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग है कि हम कुछ फीचर्स को मेंटेन करके चलेंगे, जिन फीचर्स को मेंटेन करने के कारण हमारा जो रिजल्ट आएगा लास्ट में, दैट रिजल्ट इज ऑलवेज अ करेक्ट रिजल्ट. साक्षी, मेन थिंग इज जब हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके होते हैं तो कंप्लीट टॉपिक होने के बाद ही मैं सभी आपके कमेंट्स के आंसर दे पाऊंगा दैट आर नॉट रिलेटेड टू दैट टॉपिक. अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो उसका हम टॉपिक खत्म होने के बाद ही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. ओके तो हम बात कर रहे थे सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड. सिंक्रोनाइजेशन मीन्स कि हम कुछ फीचर्स मेंटेन करेंगे जिनके कारण हम आपका जो यूजर है उसको फील हो कि उसका जो रिजल्ट है वो एकदम से करेक्ट रिजल्ट आएगा. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं, और यदि हमने सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन नहीं किया तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, और फिर चेक करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करना चाहिए. बात करते हैं इफ वी डोंट हैव सिंक्रोनाइजेशन,
then problems kya hogi. Let we have two processes, one is P1 and P2. These both are concurrent process. Here P1 have some operations on a variable read x, x equal to x plus 1, and second is updating the x and some other operations. And here P2 also have some operations on the same variable x, and it also doing the update operation on x with some value. We have these two processes and concurrent process executing simultaneously. Now let's x equal to 10. Initially x equal to 10. Okay. And we are not maintaining synchronization. Okay. Ye dono process aapki run hongi. Aur synchronization maintain nahi hai. Aur do process simultaneously kaam kar rahi hai. Aur agar aap not kare, to dono hi process aapki variable x पे वर्क कर रही हैं. x इज ए शेयर्ड वेरिएबल हियर. तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं. आपकी दोनों प्रोसेस एक्सेस करना चाहेंगी x को. अब इसने रीड किया x की वैल्यू को, p1 को, तो रिजल्ट क्या आएगा, 10. वैल्यू इंक्रीमेंट की, रिजल्ट इज 11. नाउ p2 ने रीड किया, इनिशियल वैल्यू इज 10. Now, after increment, value is 30. And here we have write and write operation. Simultaneously, write and write operation. और जब हमारे पास कोई भी हम memory operation करते हैं, memory पे कोई भी read या write operation करेंगे, तो only write operation, एक ही operation happen होता है. Simultaneously, दो write operation memory पे नहीं हो सकते. तो मींस या तो P1 ही पहले राइट ऑपरेशन कर पाएगा या P2 पहले राइट ऑपरेशन कर पाएगा. इसका मीनिंग है कि एक केस होगा केस 1 कि P1 इज फॉलोड बाय P2 कि पहले P1 अपना राइट ऑपरेशन करेगा उसके बाद P2 अपना राइट ऑपरेशन करेगा. तो पहले P1 ने राइट ऑपरेशन किया, वैल्यू इज 10. ओके, x value initially 10, then after increment value is 11, and after that isne write x kiya, value kitni thi, 11 thi, lekin iske according value kitni honi chahiye, 11, aur iske baad follow kon kar raha hai isko, p2, to iske according value kya aayi, 30. Iske according value kya aayi, 30. Second case kya ho sakta hai, second case ki pehle aapka p2 run ho aur uske baad fir P1 उसको फॉलो करे. पहले P2 एग्जीक्यूट होगा और फिर P1 उसको फॉलो करेगा. इस टाइम पे आपकी x के वैल्यू इनिशियल क्या होगी, 10, और इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू इज 30, और यहां पे P2 राइट x ऑपरेशन पहले करेगा तो वैल्यू होगी 30, और उसके बाद आपका P1 राइट ऑपरेशन लास्ट में करेगा तो ये वैल्यू स्टोर करेगा 11. ये वैल्यू क्या स्टोर करेगा, 11. अब हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं यहां पे, एक है 30 और एक है 11. अब हम यहां पे किस वैल्यू को करेक्ट माने, तो दोनों में क्या है, 30 को करेक्ट माने या 11 को करेक्ट माने, ये क्या हो गया, इट इज अ कंफ्यूजन बिटवीन रिजल्ट्स. और एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इनिशियली x इक्वल टू 10, पहले p1 आपकी क्या होना चाहिए, p1 1 से इंक्रीमेंट कर रही है 1, और p2 20 से इंक्रीमेंट कर रही है 20, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30. x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 31 होनी चाहिए एक्चुअल. और यहां लेकिन हमें वैल्यू क्या मिल रही है, अगर केस 1 को लेके चलते हैं तो वैल्यू मिल रही है 30, और केस 2 को फॉलो कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है 11. तो दोनों ही करेक्ट नहीं है, इसको बोलते हैं हम. और दोनों प्रोसेस चाहेंगी कि उसका रिजल्ट है वो मेमोरी में स्टोर हो. दोनों ही प्रोसेस यहां पे चाहेंगी कि उनका रिजल्ट है वो मेमोरी में स्टोर हो. और ये दोनों ही रिजल्ट क्या है, अनडिजायरेबल रॉन्ग रिजल्ट्स हैं. एवरी प्रोसेस वांट टू पुट्स इट्स वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन, बट नो वन गिव्स करेक्ट आंसर हियर. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड रेस
race condition problem. Race condition problem means कि P1 भी चाहता है कि उसका final result memory में store हो जाए और P2 भी चाहता है उसका result है वो भी store हो जाए और दोनों ही incorrect result दे रहे हैं last में. इसके according चलें तो value 11 दे रहा है और इस P2 के according आए तो value 30 आ रहा है. दोनों ही incorrect result देंगे. जब आपने synchronization maintain नहीं किया, जब हमने synchronization maintain नहीं किया तो हमें कुछ problems मिली. प्रॉब्लम्स क्या थी कि हमारा जो रिजल्ट था वो अनडिजायरेबल रिजल्ट आ रहा है एज वेल एज हमें यहाँ पे रेस कंडीशन देखने को मिलती है दो प्रोसेसेस के बीच में और दोनों ही अनडिजायरेबल रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे. दोनों का रिजल्ट ही क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. अब इसके लिए हमें क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि हमारा जो रिजल्ट है वो 31 आए. मीन्स एक रिजल्ट है लास्ट में वो करेक्ट आना चाहिए. हम कोई भी केस फॉलो करें, आइदर P1 फॉलोड बाय P2 करें या P2 फॉलोड बाय P1 करें, हमेशा रिजल्ट हमें करेक्ट मिलना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हम मेंटेन करते हैं सिंक्रोनाइजेशन. उसके लिए हम मेंटेन करेंगे सिंक्रोनाइजेशन. नाउ हियर व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज रेस कंडीशन. प्रॉब्लम इज रेस कंडीशन. व्हाट इज रेस कंडीशन, व्हेन कॉन्करेंट प्रोसेसेस एक्सेस to the shared resource, when two concurrent processes are access to the shared resource without maintaining synchronization, without maintaining synchronization, then the result is undesirable result, then the result is undesirable result, or you can say it is an inconsistent result, inconsistent result. चलिए अब सेम प्रॉब्लम को हम देखेंगे और सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करेंगे तो और चेक करते हैं कि रिजल्ट 31 कैसे आएगा. जब हम मेंटेन करेंगे सिंक्रोनाइजेशन को, सबसे पहले है यहाँ पे कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन, फर्स्ट रूल इज कि आपका जो शेयर्ड रिसोर्स होगा, योर शेयर्ड रिसोर्स, आपका जो भी शेयर्ड रिसोर्स है उसके हम ऊपर हम अप्लाई करेंगे लॉक. वी यूज लॉक ऑन द शेयर्ड रिसोर्स. फर्स्ट वन इज वी यूज लॉक ऑन शेयर्ड रिसोर्स एंड सेकेंड इज इनिशियली द लॉक विल बी फ्री एंड इनिशियली रिसोर्स will be free. Free means if this is your resource, then we maintain a lock here, lock, and initially lock will be free, or you can say false. Initially value kya honi chahiye, false honi chahiye. Second thing, ab humne lock ko false kar diya to do jo process hai wo isi is pe kaam karengi shared resource pe, तो वो कैसे लॉक को मेंटेन करेंगी. उसके लिए हमें यहाँ पे मैनेज करने पड़ेंगे, आपने हमारे मेंटेन करने पड़ेंगे दो ऑपरेशंस ऑन द लॉक. नाउ वी नीड टू मैनेज द लॉक्स, वी नीड टू मैनेज द लॉक्स एंड मैनेज द लॉक्स. इसके लिए हमारे पास होंगे दो ऑपरेशन. फर्स्ट ऑपरेशन इज गेट लॉक ऑपरेशन एंड सेकेंड ऑपरेशन इज leave lock operation. Get lock operation is to acquire the lock, to acquire lock, and release operation is to release the lock. हमें सबसे पहले maintain करना है lock, और lock initially free होना चाहिए आपके resource पे. Second हमें maintain करने होंगे हमारे दो, manage करने होंगे locks को. Locks को manage करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन होंगे. फर्स्ट वन इज गेट लॉक ऑपरेशन एंड सेकेंड इज लीव लॉक ऑपरेशन. गेट लॉक ऑपरेशन इज टू एक्वायर द लॉक ऑफ दैट रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज लीव लॉक इज टू रिलीज द लॉक फ्रॉम द रिसोर्स. चलिए इसकी में हम चेक करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे लॉक अप्लाई करेंगे और कैसे हमारा रिजल्ट है वो एकदम से करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए. चलिए इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है क्रिटिकल सेक्शन. जिसका नाम है क्रिटिकल सेक्शन.
क्रिटिकल सेक्शन आपके प्रोग्राम का वो पार्ट होता है, वो रीजन होता है कोड में जहां पे आपकी प्रोसेसेस है वो किसी शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर रही होंगी. क्रिटिकल सेक्शन इज अ रिसोर्स और अ डाटा आइटम विच इज शेयर्ड बाय मोर देन टू और मोर प्रोसेसेस. तो यहां पे अगर हम चेक करें, एक्स क्या है हमारा, एक रिसोर्स और यू कैन से इट इज ए डाटा आइटम. और ये डाटा आइटम आपका P1 और P2 दोनों प्रोसेस हैं वो शेयर कर रही हैं. मीन्स एक्स इज ए हियर शेयर्ड रिसोर्स. और जहां पे ये आपका कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है प्रोसेस P1 की कोडिंग में एज वेल एज प्रोसेस P2 की कोडिंग में, ये क्या होगा आपका, इट इज अ क्रिटिकल सेक्शन रीजन. और यू कैन से इट इज अ क्रिटिकल रीजन. और इट इज अ क्रिटिकल रीजन. जब हम मेंटेन करेंगे लॉक्स, तो सबसे पहले क्या होगी, P1 और P2 दोनों ही प्रोसेस क्या करना चाहेंगी, अपना एक्सेस करना चाहेंगी. तो यहां पे सबसे पहले एक्स इज आवर शेयर्ड रिसोर्स. यहां पे आपका क्या होगा, एक्स इज योर शेयर्ड रिसोर्स और एक्स पे हम मेंटेन करेंगे आपका लॉक. एंड इनिशियली द लॉक इज फॉल्स. ओके, बोथ प्रोसेसेस वांट द रिसोर्स एट द सेम टाइम. But only one will get the lock. Because of these lock operations. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे कोडिंग में हमें अप्लाई करने पड़ेंगे हमारे गेट लॉक ऑपरेशंस एज वेल एज रिलीज ऑपरेशंस. लीव लॉक ऑपरेशंस leave lock operations. दोनों ही प्रोसेस लॉक के लिए रेज करेंगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा पैरामीटर होगा डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल हमने लेट किया है एक एग्जाम्पल कि हमारी P1 है उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है एज कंपेयर टू P2. जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये अज्यूम किया है कि फॉर एग्जाम्पल P1 प्रायोरिटी इज ग्रेटर देन P2, कि P1 की प्रायोरिटी है वो P1 से ज़्यादा है. अगर P1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो पहले किसको चांस मिलेगा, P1 को एक्सेस करने के लिए चांस मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई प्रायोरिटी. तो P1 क्या करेगा, यहाँ पे लॉक गेट लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. गेट लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसे पहले करेगा यहाँ पे गेट लॉक ऑपरेशन. इसके कारण क्या कर देगा, इसका गेट लॉक ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल. गेट लॉक ऑपरेशन इज सक्सेसफुल. वैल्यू को रीड किया, वैल्यू इज 10 और यहाँ पे फॉल्स से किया ट्रू. P1 गेट लॉक ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू. नाउ रीड द वैल्यू ऑफ x. x वैल्यू इज 10. x इक्वल टू x प्लस 1, वैल्यू इज 11. राइट ऑफ x वैल्यू को किया इसने चेंज करके 11. वैल्यू को इसने चेंज कर दिया 11. नाउ लीव लॉक ऑपरेशंस. चलिए अब यहाँ पे जब आपके P1 ने एक्सेस किया CS में, जब आपके P1 ने एक्सेस किया रिसोर्स X को या डाटा आइटम X को, तो क्या उस टाइम P2 की एक्टिविटी क्या रही, हम चेक करते हैं. अब P1 ने ऑलरेडी एक्सेस किया है, ये भी ट्राई करेगा गेट लॉक ऑपरेशन के लिए, लेकिन हमने अज्यूम किया क्या इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है. प्रायोरिटी कम है तो ऑब्वियसली इसी को ही चांस मिलेगा, ये आपका अब ट्राई नहीं कर पाएगा. हमने पैरामीटर को अज्यूम किया है. तो लास्ट में क्या करेगा आपका, ये सब एक्टिविटी होने के बाद P1 इसको लीव लॉक ऑपरेशन प्रोवाइड कर देगा. P1 क्या करेगा, लीव लॉक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा. और अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यदि प्रायोरिटी भी नहीं होती, ये सेकेंड केस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन दोनों में हम प्रायोरिटी पैरामीटर भी नहीं लेते हैं और बाय चांस P1 ने पहले एक्सेस कर लिया और उस टाइम पे P2 भी ट्राई कर रहा है लॉक के लिए, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, गेट लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और यहाँ पर चेक करेगा लॉक इज इक्वल टू ट्रू. मीन्स लॉक इज एक्वायर्ड ऑलरेडी.
Lock is already acquired. Lock is not free. Lock is not free. और lock free नहीं है तो ये क्या करेगा? ये wait करेगा. ये क्या करेगा? Wait करेगा. For example, यहाँ पे यदि P2 ने try किया तो P2 करेगा आपका wait. Because lock is already acquired by the P1 and P2 is agree to wait. जब आपका P1 इसके बाद सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू 11 कर चुका है, ये परफॉर्म करेगा लीव लॉक ऑपरेशन. लीव लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लॉक की वैल्यू होगी फॉल्स. P1 रिलीज द लॉक. P1 रिलीज द लॉक. P1 ने लॉक को रिलीज किया. P2 ने चेक किया कि लॉक क्या है? फ्री हो गया है. अब लॉक फ्री हो गया है तो यहां पे P2 क्या करेगा? अपना गेट लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. P2 गेट लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और P2 को यहां पे मिल जाएगा आपका रिसोर्स X. उसके बाद P2 X वैल्यू को रीड करेगा. यहां पे चेक कीजिए, X वैल्यू जो P2 रीड कर रहा है, वैल्यू इज 11. वैल्यू इज 11. वैल्यू 11 इसने रीड की. 11 में इंक्रीमेंट किया, 11 प्लस 20 वैल्यू हो गई 31. नाउ राइट एक्स ऑपरेशन, मेक वैल्यू 11 to 31. मेक वैल्यू 11 to 31. एंड फाइनली आफ्टर 31 P2 लीव द लॉक. लॉक इज फ्री बाय P2. P2 रिलीज द लॉक. P2 ने लॉक रिलीज किया. लास्ट में क्या हुआ? वैल्यू 31. ये केस हमने चेक किया जब P1 को फॉलो किया किसने? P2 ने. P1 को फॉलो किया P2 ने, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? हमारा करेक्ट रिजल्ट इक्वल टू 31 बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग द सिंक्रोनाइजेशन. तो ऐसे हम सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करके हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम से करेक्ट प्राप्त करते हैं. और अगर हमने सिंक्रोनाइजेशन नहीं मेंटेन किया था तो हमें यहीं पे दो रिजल्ट मिल रहे थे और दोनों ही रिजल्ट हमारे इनकंसिस्टेंट रिजल्ट थे. ठीक है, दोनों ही रिजल्ट क्या थे? इनकंसिस्टेंट रिजल्ट थे. और सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हमें फॉलो करने पड़ेंगे हमारे ये दोनों रूल्स. ये दोनों रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आप लॉक को मेंटेन करोगे तो आपकी एक टाइम पे एक ही प्रोसेस है वो उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगी, उस रिसोर्स को यूज कर पाएगी. सेकंड, अगर आपके ये दोनों ही ओके, यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, हमने यहां पे इनिशियली लॉक को फॉल्स क्यों लिया? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हमने यहां पे इनिशियली रिसोर्स है उसको फ्री क्यों माना? लॉक को इक्वल टू फॉल्स क्यों माना? हमने यहां पे इनिशियली लॉक को फॉल्स लिया है, ऐसा क्यों? मींस हमने सबसे पहले रिसोर्स को फ्री क्यों माना? देखिए, अगर हम यहां पे सबसे पहले रिसोर्स को फ्री नहीं रखेंगे, हमने रिसोर्स को फ्री नहीं रखा तो कोई भी प्रोसेस यदि एक्सेस करने के लिए आएगी, कोई भी प्रोसेस यदि एक्सेस के लिए ट्राई करेगी उस रिसोर्स में, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको हमेशा लगेगा कि आपका जो रिसोर्स है वो ऑलरेडी कोई और यूज कर रहा है. तो हमारी स्टार्टिंग में ही हमें प्रॉब्लम मिलेगी, इनिशियलाइजेशन में ही हमारे पास प्रॉब्लम अक्कर हो जाएगी, जिसके कारण हमारी यदि उस प्रोसेस के बाद कोई और प्रोसेस भी रन करना चाहती है, उस रिसोर्स को यूज करना चाहती है, तो उसको भी रिजल्ट है वो आपका कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. एज वेल एज पहली जो प्रोसेस है वो लॉन्ग वेटिंग करती रहेगी, वो वेट करती रहेगी कि हमारा जो लॉक है वो कब रिलीज हो, हमारा जो रिसोर्स है वो कब फ्री हो, तो उसकी वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो सकती है एंड दैट मेक्स द स्टारवेशन प्रॉब्लम. और जिसके कारण हमारी जो प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है दैट इज अ स्टारवेशन प्रॉब्लम. ओके, हाँ जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमने P1 को जब P2 ने फॉलो किया तो रिजल्ट मिला करेक्ट रिजल्ट 31. इसका सेकेंड केस, जब P2 को P1 फॉलो करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा. ठीक है, फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया व्हेन P1 फॉलोड बाय P2. सेकेंड केस को आपको ऐसे ही ट्राई करना है जब P2 को फॉलो करेगा P1, P2 इज फॉलोड बाय P1 एंड यू विल गेट द रिजल्ट 31. फाइनल रिजल्ट आपको वहां पे 31 मिलेगा. ओके,
तो ये था सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो लोग का यूज करके उस रिसोर्स को वन बाय वन एक्सेस कर सकती हैं और आपका जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट इज अ करेक्ट रिजल्ट। एंड सेकंड हियर इज हमने जब सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन नहीं किया था तो वहाँ हमारे पास प्रॉब्लम अकर हुई थी, दैट प्रॉब्लम इज रेस कंडीशन। हमारे जो सिंक्रोनाइजेशन है उसने रेस कंडीशन को भी यहाँ पे रिमूव कर दिया है, बिकॉज एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रिसोर्स को यूज कर पा रही है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस है वो रिसोर्स को यूज कर पा रही है, तो हमारी प्रोसेसेस में यहाँ पे कोई भी किसी टाइप की रेस नहीं है। तो सिंक्रोनाइजेशन सॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेस कंडीशन, सिंक्रोनाइजेशन रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन resolves the problem of race condition. Okay, चलिए इसके साथ ही हम बात कर रहे थे क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड और यहां पे हमने दो चीजें चेक की, वन इज क्रिटिकल सेक्शन एंड सेकेंड इज इफ यू नोटिस हियर, अगर आपने नोटिस किया कि जब हमारी P1 ने एक्सेस किया था, P1 ने एक्सेस किया उस टाइम पे हमारा P2 था वो वेट करने के लिए एग्री हुआ, ये दोनों चीजें क्या है चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लॉक, हाँ जी व्हाट इज लॉक, आई थिंक इफ यू रिमेंबर दैट वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द लॉक्स इन DBMS, DBMS लॉक इज गिविंग द स्टेटस ऑफ द रिसोर्स, लॉक इज टेल अबाउट द status of the resource, resource is free, lock equal to false means resource is free, resource is free, if lock equal to true resource is not free, resource is not free. Second, we are using here critical section, critical section, any shared resource on which lock information is maintained, on which lock information is maintained, जिसके ऊपर आपकी lock information है वो maintain की गई हो, for example here we have a resource x equal to 10 and we are maintaining here lock equal to false or true, any one value, and simultaneously we have another example like y equal to 20, y equal to 20. तो यहाँ पे आपके ये दो example हैं, x x पे हम maintain कर रहे हैं lock, lock value is either false or either true, second is y equal to 20, here on x we are maintaining the lock, on x sorry please one minute, हाँ जी देखिए x है, x की वैल्यू क्या है 10 है, 10 है आपका लॉक मेंटेन किया गया है, तो आपका ये होगा क्रिटिकल सेक्शन, ये क्या होगा आपका क्रिटिकल सेक्शन। वहीं पे हम चेक करें y इक्वल टू 20 वैल्यू है आपकी, लेकिन आपके y रिसोर्स पे हमने लॉक्स को मेंटेन नहीं किया है, सो इट इज नॉट अ क्रिटिकल सेक्शन, बिकॉज क्रिटिकल सेक्शन की आप डेफिनेशन कंप्लीट चेक कीजिए, क्रिटिकल सेक्शन इज एनी शेयर्ड रिसोर्स ऑन विच लॉक की इंफॉर्मेशन इज मेंटेन, जिसके ऊपर लॉक की इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन की गई हो उसी को हम बोलेंगे कि ये रिसोर्स है हमारा, ये क्रिटिकल सेक्शन शो करेगा या ये क्रिटिकल रीजन होगा। ओके थर्ड इज वी आर मेंटेनिंग हियर mutual exclusion property, third is here we are maintaining exclusion, mutual exclusion, mutual exclusion property, mutual exclusion property कहती है कि जब आपकी mutual exclusion property कह रही है कि जब आपकी एक process ने resource को acquire कर लिया था तो उस टाइम पे आपकी जो सेकेंड प्रोसेस है वो वेट करने के लिए रेडी हुई,
वो क्या हुई, वेट करने के लिए रेडी हुई, जिसके कारण हम सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन कर पाए, जिसके कारण हम सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन कर पाए। अगर ये नहीं होता, P1 ने एक्सेस किया उस टाइम पे, यदि P2 नहीं करता, एग्री नहीं होता वेट करने के लिए, तो क्या हम सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन कर पाते? नहीं कर पाते। देन म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या हुआ, इट इज ए प्रॉपर्टी, म्यूचुअल एक्सक्लूशन हैपनिंग हियर, P1 इन एक्वायर ऑलरेडी एक्वायर द रिसोर्स X एंड P2 इज एग्रीड टू वेट, तो हियर म्यूचुअल एक्सक्लूशन, म्यूचुअल एक्सक्लूशन इट इज ए प्रॉपर्टी विच लीड्स टू सिंक्रोनाइजेशन व्हेन ए प्रोसेस एग्री टू वेट, व्हेन ए प्रोसेस एग्री टू वेट फॉर इट्स टर्न व्हेन रिसोर्स इज नॉट फ्री, व्हेन रिसोर्स इज नॉट फ्री। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे हमारा P1 ने वैल्यू ट्रू दिया था, तो हमारा ऑलरेडी रिसोर्स था वो P1 ने एक्वायर किया हुआ था, रिसोर्स इज नॉट फ्री, देन P2 इज एग्री टू वेट एंड वी मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन, एंड वी मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन। सो म्यूचुअल एक्सक्लूशन इट इज अ प्रॉपर्टी विच लीड्स टू सिंक्रोनाइजेशन, which leads to synchronization when a resource is ye likhe where a process is agree to wait, agrees to wait when the resource is not free, when the resource is Not free. आपका रिसोर्स फ्री नहीं है तो प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी। ओके, प्रोसेस इज एग्री टू वेट व्हेन, यहां पे जिसको समझ नहीं आया आप ये लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, P1 इज इन द CS, इन द क्रिटिकल सेक्शन और इन द, देन P2 इज एग्री टू वेट, एग्री टू वेट फॉर इट्स टर्न, for its turn to get CS, to get the critical section, to get the critical section. Okay, mutual exclusion का example आपकी real life में क्या आपको देखने को मिलता होगा, जब आप traffic signals check करते हो, traffic junction पे आपने check किया होगा कि हमारे पास क्या होता है, lanes होती हैं, lanes होती हैं जिसको हम चौराहा बोलते हैं, दैट इज अगर आपका यहाँ पे इस साइड से जो गाड़ी आ रही है वो चेक करेगी कि रेड सिग्नल तो नहीं है, अगर रेड सिग्नल होता है तो ये वेट करता है और उस टाइम पे इस लाइन की जो गाड़ियाँ होती हैं वो जा रही होती हैं, ठीक है। मीन्स जब ये लोग जा रहे थे इस लाइन की, इस लेन की जो ट्रैफिक्स थे वो सब जा रहे थे, गाड़ियाँ जा रही थी, तो उस टाइम इस लाइन की जो ट्रैफिक्स था वो उसने वेट करने के लिए एग्री हुआ बिकॉज ऑफ दैट रेड सिग्नल। तो वहां पे क्या है, रेड सिग्नल आपका क्या काम कर रहा है, लॉक का काम कर रहा है, मींस कि वहां पे यदि पहले से लॉक एक्वायर है इस लाइन के लिए तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, इस लाइन की गाड़ियां सभी जा रही हैं, तो आपको वेट करने के लिए एग्री होना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। तो दैट इज द रियल एग्जाम्पल यू कैन ईजिली नोटिस। सेम एस्ट्रीज यहाँ पे है हमारे पास कि जब P1 ने एक्वायर किया हुआ है रिसोर्स को तो P2 को भी वेट करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा वेट के लिए, क्योंकि P1 ने ऑलरेडी रिसोर्स को एक्वायर किया गया है। एंड इन क्रिटिकल सेक्शन ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस एट ए टाइम, ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस एट ए टाइम। ओके, तो ऐसे हम मेंटेन करेंगे सिंक्रोनाइजेशन, और सिंक्रोनाइजेशन हम जब मेंटेन करते हैं That is, synchronization हम जब भी maintain करेंगे तो हमारा result क्या होगा, एकदम से correct मिलेगा। Means synchronization resolve the conflict between the concurrent processes with respect to a shared resource. Synchronization आपकी कोई भी conflict है यदि concurrent processes के बीच में किसी भी shared resource को लेकर, तो उस सभी problems को solve करता है। Okay? इसके लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारा क्या होना चाहिए, लॉक्स मेंटेन करेंगे और इनिशियली हमारा रिसोर्स है वो फ्री होना चाहिए। ओके, नाउ एनी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रेस कंडीशन एंड क्रिटिकल सेक्शन। अमित कुमार, रेस कंडीशन जो है हमारा
दैट इज अ प्रॉब्लम जब हम सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन नहीं कर रहे थे. जब हम सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन नहीं कर रहे थे तो उस टाइम पे रेस कंडीशन हमारी एक प्रॉब्लम थी कि हमारी दोनों प्रोसेस P1 एंड P2 दोनों चाहती थी कि उसकी जो वैल्यू है वो मेमोरी में अपडेट की जाए और दोनों ही इनकरेक्ट रिजल्ट दे रही थी. व्हेन टू प्रोसेस आर रनिंग और कंपीटिंग फॉर देयर वैल्यू, जब आपकी दो प्रोसेस है और दोनों कंपीट कर रही हैं अपने वैल्यू को अपडेट करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम रेस कंडीशन. रेस कंडीशन when concurrent process access the shared resource and not maintaining the synchronization, then you will get some incorrect result because every process want to put the or update the result, every process want to update its own result and we will get some inconsistent or incorrect result. Second, critical section. Critical section is a region, ye aapki ek place ek space hai. This is a critical section. इस क्वेश्चन का क्रिटिकल सेक्शन क्या है? ये इस क्वेश्चन का क्रिटिकल सेक्शन है. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका शेयर्ड रिसोर्स X है और दोनों ही प्रोसेस X शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर रही हैं. तो ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन और यू कैन से क्रिटिकल रीजन फॉर द प्रोसेस P1 एंड P2. P1 एंड P2. ओके, तो ये तो था हमारा कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए. उसके साथ ही हमारे पास कुछ सॉल्यूशन भी होगा. अगर कोई प्रॉब्लम अक्कर होगी तो हम कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, कुछ फीचर्स को मेंटेन करेंगे. जैसा मैंने पहले बताया था, सिंक्रोनाइजेशन आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनको यदि आप मेंटेन करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा. ओके, तो बात करते हैं हमारे उन फीचर्स के बारे में जो हमें सिंक्रोनाइजेशन में मेंटेन करने हैं.